सब्जेक्टिव शीट नंबर 21 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सीरीज पैरेलल की शीट थी, हमने ये डिस्कस करनी है, इसका होमवर्क। तो कितने लोगों ने ट्राई किए? ठीक है, इसके फिर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मत करना, वो एक्चुअली सेम ही है, तो सेकंड पार्ट आप रहने दें। आप फर्स्ट पार्ट में पूछें अगर डाउट है तो। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सर, 3 में डाउट है। 3 में 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रेजिस्टर ऑफ 6 ओम ईच। तो इसमें 6 ओम के एन रेजिस्टर्स हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 1/6, 1/6, 1/6 कर करके कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो क्या बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 6, या R ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनेगी? 6 डिवाइडेड बाय एन। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस 5 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये आपके पास क्या आ गई? टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, टोटल रेजिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है लेकिन क्वेश्चन में, वो किसके इक्वल है? 7। तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की। सर 6n नहीं होना चाहिए तो। बोलो, 6n नहीं होना चाहिए तो, उन्होंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला। उसने कहा 5 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रेजिस्टर्स। ये पैरेलल में है एन रेजिस्टर्स। जो आंसर आएगा वो 5 के साथ सीरीज में है। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। सर 4 में भी डाउट है। 5 में एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है स्ट्रेच टू डबल द ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने एक शॉर्टकट करवाया था, अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो एन स्क्वायर इंटू आर, तो 2 स्क्वायर इंटू आर, तो कितना हो गया? 60। और कह रहे 60 ओम को मैंने कट किया इंटू 2 इक्वल हाफ, तो कट करने पे रेजिस्टेंस 30 और 30 हो गई, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 3 वोल्ट बैटरी। तो 3 वोल्ट के साथ पैरेलल में है। आपको बताना है टोटल करंट की वैल्यू कितनी है। टोटल करंट क्या है? 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो 30-30 पैरेलल में क्या आएगा? 15। सही है तो आंसर, तो 30-30 पैरेलल में तो 15, 2/3/15 आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सर फोर्थ क्वेश्चन भी बता दो। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि, अच्छा फोर्थ भी है इसमें अलग। ओके, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ 2.20 ओम। तो ये 2.20 ओम की रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 मीटर है। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर। सिमिलर वायर से इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, रेजिस्टिविटी अलग, मटीरियल सेम है, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके साथ वो कह रहा है पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, किसके साथ? विद 2 मीटर लॉन्ग वायर के साथ। तो ये 2 मीटर के साथ इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी और इसकी लेंथ भी चेंज होगी, और आपको निकालना है इसकी लेंथ है क्या, एल डैश निकालना है। राइट, क्लियर है यहां तक? तो एल डैश की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। अब वो ये कह रहा है विल गिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, मतलब कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब पैरेलल में है, तो यानी कि आर डैश इंटू 2.20 डिवाइडेड बाय आर डैश प्लस 2.20, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम है। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगी? आर डैश की वैल्यू आएगी। कितनी आ रही है आर डैश की वैल्यू? ट्वेंटी टू ओम। अब रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ पे डिपेंडेंट होती है, सबको पता है। तो अगर रेजिस्टेंस 2.20 ओम है तो उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। अगर रेजिस्टेंस 22 ओम है तो लेंथ की वैल्यू एल है। तो
तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी आंसर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आर डैश आएगा, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, वहां से आंसर आएगा, राइट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट? ठीक, क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट? हाँ, सेवन में, ओके। सेवंथ क्वेश्चन में रीडिंग ऑफ आइडल एमीटर, आइडल एमीटर क्या होता है, जिसकी खुद की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और आइडल वोल्टमीटर क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इनफाइनाइट होती है। तो रीडिंग ऑफ आइडल एमीटर, ये एमीटर है, इक्वल्स टू कितना, आई, कह रहा है रीडिंग आई है, एमीटर आई करंट रीड कर रहा है, व्हेन के वन इज क्लोज बट की के टू इज ओपन। के वन को मैंने क्लोज कर दिया और के टू को मैंने ओपन रखा, तो करंट बैटरी में से, ये बैटरी में से करंट कितना जा रहा है, आई, वो करंट इसमें से होता हुआ, इसमें से होता हुआ नीचे आ गया, तो एमीटर की रीडिंग क्या है, आई। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू टोटल ई एम एफ, टोटल ई एम एफ क्या है, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एक्स। क्या ये पहली क्वेश्चन सबको क्लियर है, सही है? तो आपने करंट की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरी क्वेश्चन समझो, दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें सपोज कि के टू को भी मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि के टू को भी मैंने बंद कर दिया। अब जब के टू को बंद किया तो एस और एक्स किसमें हो गए, पैरेलल में, तो मेरे पास क्या डायग्राम बना, आर, और ये क्या बना, एस इंटू एक्स अपॉन एस प्लस एक्स, पैरेलल में है, कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ ई। तो अब ये बैटरी करंट कितना निकाल रही है, आई डैश, ठीक, करंट चेंज हो गया, तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, आई डैश की वैल्यू होगी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एस इंटू एक्स एस प्लस एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो करंट की वैल्यू आ गई, पर ये करंट कौन सा आया, ये करंट वो आया जो बैटरी ने बाहर निकाला, तो बैटरी ने करंट कितना बाहर निकाला, आई डैश, ठीक है, तो आई डैश करंट बाहर निकाला इसमें। कोई डाउट इसमें? लेकिन हमें ये तो ना पूछा है कि बैटरी का करंट, उसने कहा बैटरी का करंट आई डैश है, नहीं, उसने कहा बैटरी का करंट आई बाय टू है, नहीं, इसने ये भी नहीं कहा, उसने कहा एम मीटर की रीडिंग आई बाय टू है। अब एम मीटर में जा क्या रहा है, एम मीटर में ये आपका आई डैश करंट है, मान लो केस नंबर टू में ये जो करंट है वो कितना है, आई डैश, जो अभी आपने निकाला, और आई डैश आपने क्या निकाला था, E डिवाइडेड बाय R प्लस ये निकाला था, ठीक है, इसका LCM अगर लोगे तो आंसर आएगा E इंटू एस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय R इंटू एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स, ये आ जाएगा, ये करंट आ गया। ये करंट बैटरी ने निकाला दूसरे केस में, पर हमसे ये थोड़ा कहा, हमसे ये कहा M मीटर क्या रीड करेगा, M मीटर करंट सपोज रीड करेगा I1, I1, और ये क्या रीड यहां पे क्या आएगा, I2, क्योंकि I डैश करंट स्प्लिट हो जाएगा दो ब्रांचेस में, पैरेलल है ना, तो दो, एक नीचे और एक ऊपर, कोई डाउट इसमें? पर मुझे क्या निकालना है, I1। अब I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I डैश तो है मेरे पास जिसको तोड़ना है, अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब S into I2 is equal to X into कितना, I1, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया, क्योंकि V की वैल्यू पैरेलल में सेम होती है, तो V सेम है, अगर भी सेम है और मुझे क्या निकालना है, यहां से रेशियो आ गई I1 I2 की, रेशियो क्या आ गई, S डिवाइडेड बाय X। अब मुझे क्या निकालना है, I1, तो रेशियो प्रोपोर्शन से I1 क्या होगा, S डिवाइडेड बाय S प्लस X, किसे डिवाइड करना है, I डैश को, तो I डैश को डिवाइड करना है किसमें, S अपॉन S प्लस X। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर एक काम करो, इस I डैश की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, तो I1 की वैल्यू आएगी S एस प्लस एक्स, आई डैश की जगह ई इंटू एस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर इंटू एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स, ठीक है, और ये करंट क्वेश्चन में क्या बना है, आई बाय टू, ठीक, तो यहां से आई आ गया, आई हमने केस नंबर वन में भी निकाला था, ई डिवाइडेड बाय क्या था, आर प्लस एक्स,
यही था, यहां से आए यहां से आए, इक्वेट करो एक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर आएगा। इक्वेट करो एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर चेक करो, यहां से काम करो, इस टू को ना राइट साइड पे ले जाओ। तो क्या आ गया, करंट आ गया, ये भी करंट है ये भी करंट है। इक्वेट करो, लंबी सी इक्वेशन है, एक्स निकाल लो। आंसर आया एक्स का, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है। तो ये देखो, इक्वेट किया हुआ है इसने, ये करंट और करंट को इक्वेट किया, जो मैं अभी कह रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है? लेकिन ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये ठीक है, तो इसमें खुद कर लेना, कोई बात नहीं। फोर्थ क्या असाइनमेंट है? 21। ठीक है, तो इसमें आप ये रहा, करंट करंट को इक्वेट करके करना, तो खुद ही इसमें कर भी करो, क्या करोगे लिख के भी। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 10 में डाउट। देखो, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी ना, जैसे बी और सी में मैंने आपको बताया, तो आप प्लीज एक काम जरूर करो, एक वायर यहाँ जरूर खींच लो ऐसे, ये इमेजिन करते हुए कि करंट बी में एंटर कर रहा है और घूम के सी से बाहर जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा, जिसके अंदर आप ये देख पाओगे दोनों सीरीज में जो आंसर आएगा इसके साथ पैरल में, जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरल में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसकी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 11 हमने कर लिया था लास्ट टाइम शीट में, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 12th ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट डाउट है। रीडिंग ऑफ एम मीटर A1 इज 2.4। देखो ये रीडिंग एम मीटर क्या है, 2.4 एम्पियर। एम मीटर आइडल है बाय डिफॉल्ट, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रीडिंग है इसकी एमीटर की। क्लियर है? नेक्स्ट है आपको बताना है कि रीडिंग A3 की रीडिंग कितनी है, इसमें करंट I बताना है। तो मुझे ये पता है कि जो I करंट है वो डिवाइड हो चुका है I1 I2 में, तो I विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। तो अगर मैं क्वेश्चन में I1 I2 की वैल्यू दे दूं तो आंसर आ जाएगा I का, I1 I2 की वैल्यू अगर मैं दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे देखो इसमें, तो इसके अंदर अगर आपको वैल्यू निकालनी है इसमें आई की, तो एक काम करो, एक करंट तो आपको दे ही रहा है वो I1, तो आपको I पता है और R पता है, तो यहां से आप V निकाल लो। V क्या होता है,
आई इंटू आर, आई क्या है 2.4 इंटू आर कितने हैं 20, तो क्या आ गया वी आ गया। अब वी की वैल्यू ऊपर और नीचे एग्जैक्टली क्या है सेम, 2.4 इंटू 20, तो वी की वैल्यू ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम है, तो ये वी है और ये आर है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30, I2 आ गया राइट। तो इस I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू को यहां और यहां पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो I1 I2 की वैल्यू को यहां पुट करके I की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक, तो निकाल देना इसे। ट्वेल्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में एक टर्म यूज हो रही है रियोस्टैट। ये रियोस्टैट क्या होती है, रियोस्टैट का मतलब है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक बैटरी है 6 वोल्ट की और लेट अस सपोज एक रेजिस्टर है 10 ओम का और एक रियोस्टैट लगी हुई है 30 ओम की। अब रियोस्टैट में मूवेबल एक की होती है जो मूव कर सकती है वायर, जैसे सपोज अगर मैंने रियोस्टैट की के एंड पॉइंट को यहां जोड़ दिया तो मेरा करंट जो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, वो घूम के ऐसे चला जाएगा, लूज एंड में कोई करंट जाता ही नहीं है, तो 30 ओम काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इस रियोस्टैट को, इस रियोस्टैट को की वायर को यहां जोड़ दिया, अब मेरा करंट 30 ओम में से भी पास होगा, तो ऑब्वियसली आप जहां जोड़ेंगे उतनी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आ जाएगी, बाकी लूज हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो रियोस्टैट में आप सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्लियर है यहां तक। अब मेरा क्वेश्चन है कि रियोस्टैट इस पूरे सर्किट में आपको मैक्सिमम करंट बताना है और आपको मिनिमम करंट बताना है। अब करंट होता क्या है, करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में देखो ये तो बात पक्की है, ये तो चेंज होने वाले है नहीं, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20, क्लियर है यहां तक, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है राइट। नेक्स्ट है, इसके साथ अगर मैं रियोस्टैट की कोई रेजिस्टेंस ना लूं, इसको यहां जोड़ दूं, तो मेरी मर्जी में रेजिस्टेंस लेता ही नहीं, तो मैंने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया यहां पर मिनिमम, तो मेरा ये करंट क्या आएगा मैक्सिमम, कर लेना सॉल्व। लेकिन अगर मैं रियोस्टैट को बिल्कुल कॉर्नर पे जोड़ता हूं, तो यानी कि मैंने पूरी रियोस्टैट इंक्लूड कर ली 30, तो मैंने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया मैक्सिमम, तो करंट अपने आप मेरे पास क्या आएगा मिनिमम। तो ऐसे दो वैल्यूज ऑफ करंट आएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्लियर है यहां तक, मैक्सिमम मिनिमम करंट कैसे निकलेगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो नेक्स्ट 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 डाउट है, तो इसमें हमने क्लास में किया था कि शायद ऐसा क्वेश्चन कि अगर मैं इसको ऑन कर दूं या जब मैंने की को प्रेस नहीं किया तो करंट इसमें जाएगा दोनों सीरीज में, और जब मैं इसे ऑन करूंगा, इसे ऑन करूंगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, उड़ जाएगा, दोनों में करंट निकाल लेना, एक में 10 ओम को लेना है, एक में 10 ओम को नहीं लेना, ठीक है। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15
15th हमने किया लेटर ए वाला लास्ट टाइम किया था जाते हुए, जब ये दोनों किसमें इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इनके साथ इन सीरीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के हैं, तो ये दोनों पैरेलल में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज में। नेक्स्ट है अब किसमें निकालना है, ए और बी में, तो ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, जो आंसर आएगा इनके साथ सीरीज में। नेक्स्ट ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल। उसी तरीके से ए और बी में, ये तीनों के तीनों किसमें इन पैरेलल। कैसे पता लगता है कि जैसे ये वी वन है तो इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी वन है, ये वी टू है और ये वी टू है, तो ये क्या है वी वन माइनस वी टू, ये क्या है वी वन माइनस वी टू, ये क्या है वी वन माइनस वी टू, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई, राइट। नेक्स्ट है ए और बी में, ये दोनों किसमें है इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज। अब जैसे ए और बी में निकालना है, मैंने कहा था वायर निकाल लिया करो एक, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी, ये दोनों किसमें है इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, राइट, क्लियर है। ये हमने क्वेश्चंस क्लास में किए थे लास्ट टाइम, ये क्या है वो तीनों के तीनों पैरेलल में, ये हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको ये हमने किया था, आपको ए और बी के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने सिखाया था अगर ये वी वन है इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी वन है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी वन है, तो मान लो ये वी नॉट है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, वी वन माइनस वी नॉट, वी वन माइनस वी नॉट, वी वन माइनस वी नॉट, तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है इन पैरेलल, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, तो ये पैरेलल में, और जो आंसर आएगा वो किसमें होगा, इसके साथ इन सीरीज में। लेकिन सेम क्वेश्चन यहां पर है, ए और बी में निकालनी है, तो एक काम करो अगर ये वी वन है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है वी वन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं यहां पर वी वन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं यहां पर वी वन है, और ये क्या है वी नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी नॉट, 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 चारों के चारों पैरेलल में, ठीक है यहां तक। एक बार ये देखो, मैंने कहा ये जो रेजिस्ट, ये मान लो वी वन पोटेंशियल है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं ना तो ये भी वी वन पे हो जाएगा, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं तो वी वन पे हो जाएगा, इसकी कोई रेजिस्टेंस वी वन पे हो जाएगा, और ये मान लो वी नॉट है, चारों वायर एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी नॉट, वी वन माइनस वी नॉट, वी वन माइनस वी नॉट और वी वन माइनस वी नॉट, राइट। तो यहां से चारों के चारों पैरेलल में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे हमने किया नहीं इसका कॉन्सेप्ट, पर फिर भी अगर ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमने कैपेसिटर में किया था और हमने इलेक्ट्रिसिटी में करना है, क्या आर अपॉन आर इज आर अपॉन आर, तो ये क्या है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो सॉरी आर ये मैंने निकालना किसमें, मुझे ए और बी में निकालना है, अच्छा ए और बी में निकालना है, ए और बी में निकालना है तो आर बाय आर, आर बाय आर, ये पूरी वायर हट जाएगी, फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट, 20 यस सर। इन द डायग्राम एज शोन वोल्टमीटर 30 वोल्ट है कनेक्टेड अक्रॉस 400 ओम है एंड रेजिस्टेंस 300 ओम है, कैलकुलेट व्हाट द सेम वोल्टमीटर रीड्स व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 300 ओम रेजिस्टर। पहले मैंने इसके अक्रॉस लगाया तो 30 वोल्ट आया, अब वो कह रहे इसके अक्रॉस लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये 300 ये 400 ओम है और ये 60 वोल्ट है, देखो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा इलॉजिकल है, इलॉजिकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं और टोटल ये 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है लेट अस सपोज, और
ये 300 ओम है और सपोज ये भी 300 ओम है, तो जो भी इसमें करंट जाएगा तो V की वैल्यू इसमें इक्वली डिवाइड होने वाली है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस सेम होती है तो ये भी 30 वोल्ट हो जाएगा और ये भी 30 वोल्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? 30 30, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है तो V भी सेम होंगे दोनों में, मतलब होंगे डिफरेंट पर ऐड करोगे तो 60 ही आएगा। इसमें मुझे थोड़ा ये अजीब लग रहा है कि ये 400 और ये 300 है, तो आधा पोटेंशियल तो यही ले गया, तो आधा ये ले गया 30, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस अनइक्वल है, तो V1 V2 अनइक्वल आना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि 400 ओम है, 30 वोल्ट वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आइडल वोल्ट मीटर की क्या होती है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होने से जब ये पैरेलल में लगती हैं रेजिस्टेंसेस आर इक्विवेलेंट, नॉर्मल क्वेश्चन में इन्फिनिटी लेते हैं, तो 1/400 प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो, तो आर इक्विवेलेंट 400 ही होता है। हम ऐसा आज तक करते आए हैं, हम इन्फिनिटी मानते हैं, इन्फिनिटी से एक तो इसमें करंट नहीं जाता और दूसरी बात ये होती है कि इसकी रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे ऐसा लग रहा है इसको इसकी वैल्यू को देखते हुए कि कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को यहां पर कंसिडर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जब कोई चीज पैरल में होती है तो उसकी, जैसे 400 ओम है, इसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस जब पैरल में लगेगी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो मेरे को ऐसा लगता है ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें 400 नहीं रहेगी, 300 हो जाएगी, तभी ये 300 वोल्ट ले गया। करके देखता हूं, मैं कह नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि इसने पैरल में लिया है। तो अगर पैरल में लिया है तो 300 ओम्स के साथ ये दोनों पैरल में कितना हो गया? 400 इंटू आर डिवाइडेड बाय 400 प्लस आर कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट, और मुझे पता है कि इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर रीड क्या कर रहा है? 30 वोल्ट, राइट? अगर ये 30 वोल्ट रीड कर रहा है तो ये भी ऑब्वियसली कितना है? 30 वोल्ट, ये भी सही है। अगर ये 30 वोल्ट रीड कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी? 30 डिवाइडेड बाय 300 यानी कि 1/10 एम्पियर, तो करंट इसमें क्या होगा? 1/10 एम्पियर। ये भी क्लियर है यहां तक? वही करंट इसमें जाने वाला है। इसमें अगर मैं ओम लॉ लगाऊं तो 30 इज इक्वल टू करंट 1/10 इंटू रेजिस्टेंस 400 इंटू आर अपॉन 400 प्लस आर, राइट? क्लियर है यहां तक? तो यहां से सॉल्व करके 300 इज इक्वल टू 400 आर डिवाइडेड बाय 400 प्लस आर, ये कैंसिल हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 4 आर डिवाइडेड बाय 400 प्लस आर, तो यहां से 1200 इज इक्वल टू, सॉरी, 1200 प्लस 3 आर इज इक्वल टू 4 आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस 1200 है इसका मतलब, अगर मैं सही जा रहा हूं तो चेक चेक करता हूं, तो ये 1200 ऐसे है, राइट? क्लियर है यहां तक? अब वो ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको, इस वोल्ट मीटर को कहाँ लगाऊं? 300 ओम में लगाऊं। चलो लगा के देखते हैं, तो मेरे पास नया डायग्राम क्या बन गया? ये मेरे पास 300 ओम है, यहां मैंने क्या लगाया? वोल्ट मीटर, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1200 ओम, और ये कितना है? 400 ओम, और ये कितना है? 60 वोल्ट, 60 वोल्ट ऐसे। तो अब वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? एक काम करते हैं, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो इसकी क्या होगी, इन दोनों की क्या होगी? 1200 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 300, तो क्या आएगा? 360000 डिवाइडेड बाय 1500, कट गया 300 ओम्स है। क्या किया मैंने? वोल्ट मीटर में वो उसने बोला ना वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा अगर 300 पे, सेकंड केस, सेकंड केस, पहले तो आंसर दे ही रहे ना 30 वोल्ट है, वो कह रहा अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो आंसर क्या होगा, अब सेकंड केस बना रहा हूं मैं, तो वोल्ट मीटर इस पे लगा, अब आंसर क्या होगा? वी का ये बताना है, 30 वोल्ट नहीं होगा, तो इसके अंदर अब क्या करना पड़ेगा? ये दोनों
जो है इसमें वैल्यू क्या आ गई, 3600/15, और ये क्या है 400, और ये क्या है 6 वोल्ट ऐसे, और 60 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या निकलेगा, करंट। करंट क्या होगा, 6t/3600/15, इसको काट लेना, कट कर लेना, +400 आई आ गया। जो भी आए यहां पे आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका वी आ जाएगा। जो इसका वी होगा वही इसका वी होगा, तो चेक करना आंसर आ भी रहा है 22.5। ऐसा भी कर लो, 400 से करंट निकाल लो, तो 400 चल लंबा हो गया थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा करो लंबा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 400 से करंट निकाल लें। 400 से करंट क्या आएगा, कैसे निकाला, तो V क्या लिया आपने 400 का, अच्छा, पर एक प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं V यहां शिफ्ट करूंगा तो रेजिस्टेंस ही चेंज हो गई इसकी, तो पुराना V कैसे यूज कर सकता हूं मैं इसमें। हाँ, तो वह V- क्या निकलेगा, नहीं आपको ये बताना है, अगर मैं 300 ओम के साथ वोल्ट मीटर रीड करता हूँ, वोल्ट मीटर अब क्या रीड करेगा। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ और करंट निकालता हूँ और करंट को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके V आता है और वही मेरा आंसर है, क्या ये गलत है, गलत तो नहीं है, ठीक है, तो क्या आंसर 22.5 आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा, और आप कह रहे हो आ रहा है ये मानते हुए कि ये 30 वोल्ट पे है, पर ये 30 वोल्ट पे कैसे होगा, क्योंकि 30 वोल्ट पे ले लिया वो तो तब होगा जब 400 और 1200 पैरेलल में है ना, फिर तो करंट डिफरेंट है, जब ये इसके साथ आ जाएगा तो करंट ही चेंज हो गया पूरे सर्किट का, तो मेरे को नहीं लगता इसका आंसर 22.5 जो है सही भी है। तो आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए IN2R, जो भी वी आएगा वो यहां पुट करेंगे बस वही आंसर है। तो इसने भी शायद सोल्यूशन में यही अज्यूम कर लिया कि ये 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट के हिसाब से चल रहा है, पर लेकिन जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ली जाएगी फिर सारी कहानी चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 22.5 सही नहीं है, तो आप प्लीज इस तरीके से ही करना है इसे, राइट, क्लियर है। आ रहा है 22.5, तो आएगा, अगर 22.5 आंसर आ रहा है वो कह रहे हैं, तो आप ऐसे में मेथड करो I into R कर दो, तो जो भी I की वैल्यू आएगी वो क्या मैंने कहा था क्या पुट करनी है, I की वैल्यू पुट करनी है 60/3600/15 +400, बस ये I यहां पुट कर देना, I into R कर लेना, जो V आएगा बस वही आपका आंसर है 22.5, वो कह रहे हैं आ रहा है तो अच्छी बात है, बात ही खत्म। नहीं जी, जरूर है कि इसमें थोड़ा आपको आइडिया देखना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को कंसिडर की है, और कहाँ से आइडिया हुआ, जब मैंने देख लिया 30 30 कुछ बात बन नहीं रही, नहीं तो आम बंदा क्या कहता है 30 है ये भी 30 है टोटल 60 हो गया, बात खत्म हो गई, राइट। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस यहाँ पर बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं है, कुछ तो है आर है, ठीक है। सर 21.6 नहीं आएगा इसका आंसर, 21.6, 21.6 आ रहा है, 22.5 आ यस रहा है, सर, इन लोगों का 22.5 पूरा आ रहा है, चेक करना फिर से, चेक कर लेना प्लीज। चलो जितना भी आ रहा है ओके वो सर, सही आंसर है मेरे हिसाब से, जो भी आ रहा है ये मेथड बिल्कुल सही है।
देखो, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। 21 में यस सर। देखो, 21 जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अभी जल्दी दे दिया इन्होंने, थोड़ा लेट देना चाहिए था। तो इसमें करंट की डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन की कि सपोज ये आपके पास 2 एम्पियर करंट है, वो यहाँ ना डिवाइड होने वाला है, इसकी रेजिस्टेंस मेरे को दे नहीं रहा वो, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी उल्टा बना रहा है, बैलेंस नहीं है। देखो ना, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। अगर ये बैलेंस होता बात ही खत्म हो जाती, मैं इसको उड़ा देता, खत्म कहानी। ये बैलेंस नहीं है, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो उस केस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करूँ कैसे? राइट, क्लियर है यहाँ तक? वैसे आपको एक बात बताऊँ, करेक्ट, इसको दे, मुझे पता नहीं इसने क्या सोच के दिया है, इसको देना ये चाहिए था, ये 3 और ये 2, इसको ऐसे देना चाहिए था, और मेरे को अभी भी लगता है ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसने इसकी रेजिस्टेंस दी नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें करेक्शन है कि आप इसको ना 3 रखो और इसको 2 ही रखो। अब क्या होगा, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, बात ही खत्म। राइट, ये हट गया। अब मुझे बताओ, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, 5-5 ओम रेजिस्टर है, तो यहां पे जो करंट जाएगा और यहां जो करंट जाएगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर है और ये भी 1 एम्पियर है, ऐसे। ठीक है यहां तक? तो अब इसके अंदर मुझे VA माइनस VB निकालना है। एक बात बताओ कि VC पोटेंशियल बढ़ा है कि VA पोटेंशियल बढ़ा है? C का बढ़ा है कि A का बढ़ा है? कैसे चेक करते हो C का बढ़ा है? कैसे? नहीं, C का और A का सेम कैसे आएगा? करंट जा रहा है उसमें यार, कौन बड़ा होगा? कैसे चेक करते हो? क्योंकि अगर करंट इधर जा रहा है तो हायर टू लोअर जा रहा है, तो यानी कि VC माइनस VA इस करंट 1 एम्पियर इंटू 3 आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरीके से VC और VB में VC माइनस VB इज इक्वल टू करंट 1 इंटू 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इन्हें अगर हम साइमल्टेनियसली ऐड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें, तो ये टर्म कैंसल और मेरे पास क्या आ जाएगा, VB माइनस VA आ जाएगा। पर इसमें तो यार आंसर गड़बड़ी हो गई, 0। VB और VA सेम पोटेंशियल है, वैसे भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं कर क्यों रहा हूँ, बैलेंस के अंदर तो वैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे, बात ही खत्म है। तो इसका आंसर तो 1 वोल्ट दिया हुआ है। चलो अगर मैं उल्टा लेता हूँ, अगर मैं ऐसे भी ले लूँ, क्योंकि अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो VA VB के बराबर है, बात ही खत्म होगी, वो तो फिर आंसर ही 0 आ गया। अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो मैं कह नहीं सकता यार कि करंट इसमें 1 एम्पियर जाएगा, किसमें? हाँ, मैं कह नहीं सकता, नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे को करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, इसमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, ऐसे मैं बता नहीं सकता कि 2 एम्पियर। अब कई लोग कहते हैं सिमेट्री है जी, ऊपर 5 नीचे 5, ऐसे कैसे सिमेट्री है, बीच में रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, ऐसे सिमेट्री नहीं है। तो मेरे को लगता है कुछ तो इसमें गड़बड़ है, या तो इसको करंट की वैल्यू मुझे देनी चाहिए कि जो भी यहाँ करंट देगा, फिर मैं VC माइनस VA निकालूंगा, VC माइनस VB निकालूंगा, और फिर मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालूंगा। पर मुझे पता नहीं इसने सीधा शॉर्टकट लगाया रखा है 1 एम्पियर, क्यों लगाया है मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता तो करंट की वैल्यू डिफरेंट रहती है वैसे, तो आप ये कह नहीं सकते कि इसमें बराबर बराबर करंट जाएगा। तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, तब देखेंगे जब इसको कर लेंगे सॉल्व, और तो क्या ही तरीका है, तभी मैं कह नहीं सकता, इसमें किरचॉफ लॉ लगाने पड़ते हैं, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ती है, वो लंबा काम है, तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए हमें। ठीक, वैसे इसने कैसे किया, इसने तो इक्वल ले लिया, इक्वल लेके क्यों लिया मुझे नहीं पता, क्यों लिया इसने इक्वल, तो एक बार नेट पे चेक किया है तो मेरे ख्याल से करेक्शन हो गई, मिल गई करेक्शन। इसके अंदर वो कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस ही नहीं गिवन, ओके इसने फालतू लगा दी, ये गलत, ये लो करेक्शन कर लो, अब ये रेजिस्टेंस ही गिवन नहीं है, बात ही खत्म हो गई, बस ये हटा लो, करेक्शन कर लो।
अब लॉजिक बनता है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बनेगा क्योंकि पांचवी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब ये दो तीन तीन दो का मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर, ये भी क्लियर है। अब मैं लगा सकता हूँ वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू टू, और वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू थ्री। इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा वी बी माइनस वी ए, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए कैन बी कैलकुलेटेड, और जो कि नेगेटिव में आएगा, पर आपको क्या निकालना है वी ए माइनस वी बी, उसको उल्टा कर देना पॉजिटिव आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है? तो करेक्शन कर लेना है, इसमें करेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है। ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, ये कर लिया हमने। ये गलत है क्वेश्चन, इसमें ना रेजिस्टेंस मिसिंग है, कोई छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, ये हमने किया था क्वेश्चन लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्लियर है? 28 29 ऑनलाइन हो गया, 29 सर 29 बता दो। 29 तो देखो इसमें ये तीन, ये सर्किट देखा लगता है किसमें है, इन पैरेलल, तीनों पैरेलल में है, तो आप इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस निकालने आर इक्विवेलेंट कर लेंगे, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर, 1 बाय 2 आर, 1 बाय 3 आर। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो इसमें अब क्या निकालना है, करंट आपको पता है इसमें टू, करंट क्या होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंट, प्लस इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 5R/11। तो यहां पुट करके आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आर निकाल लेना, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है पुराने डायग्राम से। ये बताओ ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, और जो आंसर आएगा इसके साथ इन, कैसे पता लगा पैरेलल भाई, मतलब अगर सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में लगा दो, ऐसे नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। ये क्या है V1, मान लो ये क्या है V2, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी क्या है V2, ये क्या है V1, ये देखो V1, तो इस इन दोनों, ये तो सीरीज में है तो ये तो 12 कर लो, 12 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, 6 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, 8 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें मैं क्या कहा, ये पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और यहां का सपोज V2 है, तो V1 माइनस V2, ये V1 है तो ये भी V1 है, तो V1 माइनस V2, 6 ओम में भी V1 माइनस V2 और 8 ओम में भी V1 माइनस V2, ये V2 है, ऐसे तो पैरेलल है। तो एक काम करना, आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, बाकी सेम है, करंट क्या होगा ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, हो जाएगा ठीक? ठीक है।